हेलो कैसे हो सभी लोग, आ गए मैं और नई वीडियो में। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं निंजा आरएसए। तो आपको पता होगा भाई कि लास्ट टाइम हमने खेला था निंजा आरएसए, जिसमें कि हमने स्टार्टिंग के लेवल्स कंप्लीट करी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी थी। बट आज हम करने वाले फर्स्ट वाले मैप के फाइनल लेवल, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा टफ भी होने वाली है, तो वो भी आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और आज हम सारी एबिलिटीज़ को अपनी फुल मैक्स अपग्रेड कर लेने वाले हैं, जो कि देखो यहाँ पे गाइस। तो यहाँ पे मैं अभी अपग्रेड करने वाला हूँ, पूरी फुल मैक्स कर लेने वाला हूँ जितनी भी हैं। तो फर्स्ट वाली मैंने कर ली है, सेकंड वाली भी मैंने कर ली, अभी थर्ड वाली की बारी है, तो इसको भी मैंने फुल मैक्स कर लिया। और अभी लास्ट वाले की बारी है, तो इसको भी मैंने मैक्स कर लिया है। तो अभी देख सकते हो गाइस, मैंने सारी एबिलिटीज़ को अपनी मैक्स कर लिया है, जो कि भाई अब मेरी पावर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी, जिससे कि मुझे भाई गेम पार करने में आसानी होगी। वैसे भाई आसानी क्या होगी, अब लेवल्स भी काफ़ी ज़्यादा टफ है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम आपको याद होगा कि फर्स्ट वाली वीडियो में खेली थी फर्स्ट लेवल, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी थी। बट अब भाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और डेंजरस लेवल होने वाली है। तो देखो मैंने सबसे बढ़िया वाला कॉस्ट्यूम भी ले लिया, जिसका के नाम है गोल्डन सेक्सी। आपको बताना आप कौन सा वाला कॉस्ट्यूम भाई इसमें से सबसे अच्छा लगा। और मैं खेल रहा हूँ अभी भाई लास्ट वाली 15वीं लेवल फर्स्ट वाले मैप की, देखो क्योंकि भाई मैंने सोचा कि लास्ट वाली लेवल आपके साथ ही खेला जाए। बाकी वैसे तो मैंने बाकी दूसरी खेल के कंप्लीट कर ली थी, बट लास्ट वाली में भाई अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने का मज़ा ही कुछ और है। तो देखो आप लोगों को दिखा के खेलने में ना गाइस कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ जाता है, तो इसीलिए भाई लास्ट वाली 15वीं लेवल आप लोगों को साथ ही खेलेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वाले मैप की लेवल्स कंप्लीट करेंगे। तो देखो ये लास्ट, तो भाई ये डेंजर तो होने वाली है, फर्स्ट वाले मैप के लास्ट वाली लेवल है। अभी गाइस मैं मार रहा हूँ यहाँ पे कुछ विलन्स को, जो कि देख सकते हो यार, अभी मेरी एबिलिटी भी आप देख सकते हो ना, तो कुछ थोड़ी ज़्यादा जल्दी चार्ज हो पा रही है, बट उतनी भी ज़्यादा जल्दी नहीं जितना मैंने भाई एक्सपेक्ट किया था। मैं सोच रहा था गाइस कि तुरंत चार्ज हो जाएगी, बिल्कुल मारते से जरा सी देर में चार्ज हो जाएगी, बट भाई टाइम लगता है थोड़ा चार्ज होने में। और एक बार मैं यहाँ पे मर चुका हूँ, एक बार नहीं सॉरी गाइस दो बार मैं यहाँ पे मर चुका हूँ, बट कोई बात नहीं, हम कंप्लीट करेंगे और आगे चल के भाई तहलका मचाई देने वाले, कंप्लीट तो कर ही लेने वाले हम इसको। बट यार अब कठिन लेवल सारी है ना, तो भाई मैं मर भी जाता हूँ, देखो कितने डेंजर तरीके से चल रहा है अभी यहाँ काम। और भाई दीवार में छुप के पता नहीं कैसे बंदे गोली मार देते हैं, आप देखना अभी आपको मैं बताऊँगा। मतलब आपने फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देखी होगी तो गाइस उसमें आपको पता नहीं चला होगा, क्योंकि तब वो वाले विलन्स नहीं थे इतने डेंजरस वाले, बट अब गेम में काफ़ी ज़्यादा डेंजर विलन आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको एक पिंजड़ा दिख रहा होगा, बट अगर मैं इस पिंजड़े में फंसा तो भाई मेरा मरना पक्का है समझो, क्योंकि भाई एक ऊपर से बंदा आता है और भाई वो मतलब कितनी बुरी तरीके से मारता है। देखो मतलब यार मैं जैसे ही नीचे कूदा उतने में मर गया, तो चलो कोई बात नहीं भाई, फिर से हमारा यहाँ पे रिस्पॉन हुए हमें गाइस इसमें पूरी चांस मिलती है, हमारी लाइफ होती है पूरी 7 लाइफ में हमें कंप्लीट करना है। बट भाई इतना डेंजर गेम हो चुका है ना कि 7 लाइफ भी कम पड़ती है। देखो अभी एक नीचे भाई अपनी बढ़िया तरीके से पहरेदारी कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ भाई कि ये यहाँ से राउंड लगा के जाएगा तभी मैं इसको पीछे से हमला करूँगा, क्योंकि आगे से करा तो भाई मेरा काम समझ लो तमाम हो जाएगा। और नीचे एक देखो बंदूक लेके घूम रहा है, मतलब सोचो भाई हम निंजा हैं कि हम भाई ऐसे लेके चल रहे हैं स्टार्स वगैरह और भाई तलवार वगैरह, और एक बंदा भाई वहाँ पर बंदूक चला रहा है। देखो मतलब बंदूक सब इनके पास सुविधा हो चुकी, भाई बंदूक की सुविधा अपने पास भी होनी चाहिए, कोई बात नहीं अब कुछ नहीं कर सकते गाइस, बंदूक तो अपने पास नहीं है। यहाँ पे देखो कितने डेंजर वाले स्टार हैं, बट भाई मैं इनको क्रॉस कर गया जैसे तैसे करके, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था पर कर गया मैं क्रॉस। अभी भाई मुझे डर है कि ऊपर कोई प्लेयर ना हो, तो मैंने एक बार स्टार तो मार दिया यहाँ पे, और ये टूटेगा देखो यहाँ पे टूट गया। ऐसे ही जगहों पर प्लेयर छुपे होते हैं और भाई एकदम से निकल के अपने को गोली मार देते हैं, बट कोई बात नहीं भाई हम वहाँ से ही बच के निकले। यहाँ पे ऊपर से भाले गिरने लगे, देखो मतलब ये गेम नहीं भाई पूरा मतलब मौत का कुआं बना रखा है भाई, अगर थोड़ी सी नज़र हटी और समझ लो दुर्घटना घटी तो वो वाली बात हो जाती है। इस गेम में भाई काफ़ी डेंजर चीज़ें भी होती रहती है। देखो अब ऊपर से एसिड छूट रही है, बंदा भाई थोड़ा सा भी आगे गया तो ख़त्म, ऊपर से एक बंदा भाई इधर। अब यहाँ पे भाई एक बंदा नीचे गन भी लेके घूम रहा था, बट उसका मैंने काम तो तमाम कर दिया। बट यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो बॉल है ना उस तरफ दिख रही है आपको, उस बॉल को मुझे आगे की तरफ सरकाना है, जैसे कि मैं नीचे से निकल पाऊँ, नीचे भाई एसिड गिरना बंद हो जाएगा, बट उसके लिए भाई मुझे बॉल को सरकाना पड़ेगा। और मैंने सरका दिया भाई जैसे तैसे करके सरकाया भाई, वैसे सरक तो नहीं रही थी, थोड़ी सी जगह थी सिर्फ, पर मैंने जुगाड़ से उसको भी खिसका दिया। देखो ये ऐसे आ रहा है भाई राउंड पे, जैसे हमको मार ही देगा, इसको हम फिनिश कर देने वाला हूँ। देखो अभी गाइस मैंने इसको ख़त्म कर दिया, और देखते हैं कि आगे चल के अब ये लेवल मुझे लग रहा है यहीं पे फिनिश हो जाने वाली है अपनी, क्योंकि आगे तो बिल्कुल घास का मैदान है। और ये क्या हो रहा है गाइस, भाई क्या शानदार चीज़ हुई, जो भी हुई, और यहाँ पे हमारा गेम हो चुका है कंप्लीट। तो गाइस मुझे क्या लगा था ना, सच बता रहा हूँ आपको, मुझे लगा कि वो जो दीवार फट रही है उसके अंदर से कोई डेंजर वाला विलन निकलने वाला है, बट कोई बात नहीं हमारी लेवल कंप्लीट हो गई, काफ़ी सही बात है। अभी हम खेल रहे हैं निंजा आरएसए का सेकेंड वाला मैप, और उसकी सेकेंड वाले मैप की ये फर्स्ट लेवल है। चलो फर्स्ट लेवल को कंप्लीट करते हैं, और इसको तो मैं ऐसे ही फिनिश कर देने वाला हूँ। फर्स्ट लेवल थोड़ी ईजी होनी चाहिए, बट नहीं गाइस ये मैं देख के समझ चुका हूँ कि फर्स्ट लेवल कोई ईजी वगैरह नहीं होने वाली है, जैसे अपनी वो वाली लेवल थी 15 वाली डेंजर, वैसी ये भी डेंजर होने वाली है। देखो भाई पूरी जगह मौत का खतरा है,
नीचे से भी ऊपर से भी बट पढ़ाई, हम मौत को भी चकमा देके निकल आए हैं, पर इसने भाई भाला घुसा ही दिया, इसीलिए भाई मैं इनको पीछे से मार देता हूँ। आगे से इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि भाई ये भाला घुसा देता है अपने में बहुत डेंजर वाला तरीके से। देखो यहाँ की तरफ भी एक स्टार चल रहा है, इसको मुझे आराम से क्रॉस करेंगे भाई, जल्दीबाजी हाई वाप नहीं करनी है तो गड़बड़ हो जाएगी अपने साथ, तो बिल्कुल आराम से चलेंगे और कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे भाई बिजली भी छूट रही है जो कि भाई झटका भी लग सकता है हमको, और भाई पीछे का बैकग्राउंड ये देखो कितना बढ़िया दिख रहा है अभी के टाइम पे भाई, कितने बढ़िया फ्लावर्स गिर रहे हैं, पिंक कलर के पेड़ हैं भाई, काफ़ी सही सा दिख रहा है यार बैकग्राउंड तो, काफ़ी सही सा दिख रहा है गेम का, और बाकी तो पूरा गेम शैडो में चलता है, बट देखो बैकग्राउंड कितना सही सा दिख रहा है पीछे का। अभी भाई मैं फिर से रिस्पॉन हो चुका हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक बार तो मैं मर चुका था। यहाँ पे एक बंदा जा रहा है भाई, कितने घात लगा के चलते हैं ये बिल्कुल। अभी भाई मैं सोच रहा हूँ मेरी एबिलिटी एक बार को चार्ज हो जाती ना तो भाई मैं ऊपर जाता और एकदम इन पे चढ़ जाता, बट एबिलिटी चार्ज नहीं, अब हो चुकी है मेरी एबिलिटी चार्ज। और देखो इसको मैं सोच रहा हूँ पीछे से ही अगर ख़त्म कर दूँ तो कितनी बढ़िया बात हो जाएगी। एक तो इसको लग गया एक स्टार और मुझे मारना और ये फिनिश हो जाएगा, इसको एक स्टार लग ही नहीं रहा है, अभी लग जाएगा। देखो भाई अभी ये मर चुका है, ऊपर से भाई एक बादल भी है जो कि बिजली के झटके वगैरह छोड़ रहा है, मतलब कितनी ज़्यादा भाई टफ होती जा रही है आगे आगे जा जा के लेवल्स, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है निंजा आरएससी गेम भी हमारा। और इसके पीछे देखो भाई एक बंदा छुपा हुआ जो कि मैं पहले से स्टार मार रहा हूँ, देखो मर गया वो, दीवार में छुपा था भाई, मुझे पता चल गया है कि वो दीवार में छुपा होगा, हर बार ऐसा ही करता है वो मुझे मार देता है, बट इस बार भाई मैंने उसको मार दिया और काफ़ी ज़्यादा आराम से मैं खेलूँगा भाई, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करूँगा इस गेम के लिए क्योंकि भाई ये गेम काफ़ी ज़्यादा टफ है। अगर आप खेलोगे तो आपको लग रहा होगा भाई अगर वीडियो में कि काफ़ी ज़्यादा इजी गेम है, तो एक बार आप ट्राई करना आपको पता चलेगा। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल ऐसे मतलब गाइस स्टार्टिंग की दो तीन लेवल तो कंप्लीट कर लोगे, बट उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ये गेम टफ हो जाता है। और मैं तो खैर गाइस दूसरे वाले मैप पर पहुँच चुका हूँ और उसके लास्ट लेवल खेल रहा हूँ और उसके फर्स्ट लेवल खेल रहा हूँ। देखो तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर ली अपनी फर्स्ट वाली लेवल सेकंड वाले मैप की, अभी सेकंड लेवल की बारी है और सेकंड लास्ट लेवल होने वाली है गाइस। इसके बाद भाई लास्ट हम खेलेंगे फाइनल वाली लेवल जो कि भाई 15 लेवल होगी और वो आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में देखने को मिलेगी। तो ये मैं लास्ट लेवल और खेल के देख रहा हूँ, उसके बाद भाई आपको लास्ट वाली लेवल दिखा दूंगा मैं 15 वाली, वो नेक्स्ट वाली वीडियो में आएगी और उसके बाद थर्ड मैप पर चलेंगे। तो गाइस मैं पूरे मैप ऐसे कंप्लीट कर देने वाला हूँ निंजा आरएससी के, बट आपको मेन पार्ट दिखाऊंगा आपको भाई, ऐसा नहीं कि बकवास दिखाए जैसे कि भाई आपको भी बोरिंग फील होगा यार, इसलिए बोरिंग चीज़ बिल्कुल भी आपको नहीं दिखाने वाले हम, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया चीज़ दिखाएंगे। देखो यहाँ पे भाई अभी ये पीछे को मुड़ जाए ना बस एक बार और ये मर गया। देखो उसको मैंने स्टार को मार दिए थे दूर, एक को तो भाई बंदूक से उड़ा दिया, मतलब बंदूक वाले को भाई मैंने बम से उड़ा दिया। देखो मेरे स्टार लगातार चल रहे दूर से ही, भाई रिस्क तो मैं लूँगा ही नहीं थोड़ा भी। एक बंदा नीचे की तरफ चल रहा है जिसको कि मैं उड़ाऊंगा बहुत भयंकर तरीके से, तो गाइस बम से मैं खुद ही उड़ गया, मैं सोचा था गाइस कि बम से बच जाऊंगा और जल्दीबाजी के चक्कर में बम से मैं ही मर गया। कोई बात नहीं, ऊपर से बादल छूट रहा है, मुझे बादल से भी बचना है क्योंकि भाई बादल का बिजली का झटका भी बहुत ज़ोर से लगता है। यहाँ पर आग है, आगे भाले हैं बहुत सारे भाई, मतलब ये गेम ना है बिल्कुल मौत का कुआँ है। देखो इस स्टार से मेरे को बचने की निंजा टेक्निक याद आ रही है कि अगर मैं मेरी एबिलिटी लगा दूँ जो कि भाई तलवार मारने वाली, तो एकदम से आगे जाएगा देखना ये भाई, काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के काम करना पड़ता है क्योंकि एक ही टाइम पे भाई दोनों जा रहे हैं। और ये देखो कितनी बढ़िया तरीके से गाइस मैं आगे आ गया, ये भाई मैंने थोड़ी सी निंजा टेक्निक लगाई, मैं जंप वंप नहीं मारी मैंने, बट यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई और हमें कॉइन लगाने पड़ गए पॉकेट में गाइस। कोई बात नहीं, इस बार कॉइन लगाएं तो इस बार कंप्लीट भी कर देंगे हम। देखो इसके ऊपर पहुंच गए अपन और यहाँ पे आगे की तरफ भाले चल रहे हैं, पर ये भाला हमारा कुछ भी नहीं कर पाने वाले हैं, आगे की तरफ कोई भी नहीं है। ऊपर की तरफ भाई दो सिक्योरिटी गार्ड अपना राउंड लगा रहे हैं, पर उनको लगाने देते हैं, उनसे हमको कोई मतलब नहीं। पीछे देखो भाई, भाई चांद हर गेमों में हमको बहुत अच्छा लगता है और देखो कितना बढ़िया खिला हुआ है, हमारे साथ साथ चल रहा है भाई चांद, मतलब रियलिस्टिक बनाने की कोशिश कर दी है थोड़ा बहुत, मतलब चांद हमारे साथ ही चलता है, बट यहाँ पे बिजली का झटका हमको लग गया जिसकी गाइस मैं लास्ट टाइम बात कर रहा था आपको कि बादल से बिजली का झटका लग जाता है, जो कि लग भी गया। कोई बात नहीं, हम अब इस बार भाई बादल से रिस्क नहीं लेंगे। और एक ये है जिससे मुझे एक मेरी एक्स्ट्रा लाइफ मिल जाएगी, जो भी भाई ये डायनासोर ऊपर से जाता है इससे हमको एक एक्स्ट्रा लाइफ मिल जाती है। मैंने भाई उसको मार के उसके मुँह से छीन लिया जो भी था उसके पास। देखो इससे बच गए, बादल से बच गए। अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ गाइस, ये अपना रिस्पॉन पॉइंट बन चुका है और भाई मून काफ़ी बढ़िया दिख रहा है यार, मून काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है, आप देख सकते हो पीछे की तरफ बैकग्राउंड में। किसको किसको मून बढ़िया लगा भाई वो कमेंट में ज़रूर से बताना। देखो अभी ये यार पीछे तो मुड़ा, एक को तो मैंने लपेट दिया और एक और को लपेट दिया, बट रास्ता तो नीचे से भी है,
पर नीचे से हम जा नहीं सकते क्योंकि भाई ऊपर अपने को ज़्यादा कूदना पड़ता है। और अभी मैंने सबको मार दिया है, अभी खैर यहाँ पे अपनी लेवल हो चुकी है कंप्लीट, जो कि आप देख सकते हो। तो हमने खेल लिया भाई सेकंड वाले मैप की, सेकंड लेवल भी हमने कर चुके हैं यहाँ पे कंप्लीट। तो अब खेलेंगे बिल्कुल लास्ट 15 वाली लेवल, बट वो आज नहीं भाई, वो नेक्स्ट वीडियो में खेलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो में आया मज़ा तो वीडियो कर देना लाइक, और चैनल पर नए हो तो फिर जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर किसी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।